कहते सारिया आशीर्वाद होनी चाहिए आ। तो जो मैं आप जी को कह जा रहा सी, मैं जो बाबा जी ने वेदांत पढ़े सी, बाबा जी वेदांत पढ़े सी, गुरु ग्रंथ साहब पढ़े, तीन बार गुरु ग्रंथ साहब महाराज ट्रांसलेशन पढ़िया बाबा जी ने, संत बाबा प्रीतम दास महाराज जी ने और संत बाबा नारायण दास जी महाराज ने उन्होंने पढ़ाया। कहने के बेटा पढ़, ओ तू पढ़ पढ़ के समझ गल नू, ता तू मेरा बेटा है। गुरु भी इदा दे होने चाहिए, नहीं तो कहते रौला ला के जा पैसे लैके आ मेरे लिए, इतने आटा मुक्या दाल मुकी है जो मुकया वह लैके आ। अजकल इतने तक क्या डेरे नहीं बनाई जाने, उत्थे ही सारा खाई पी जाते हैं, कुछ नहीं करते। और बाबा जी कहन लगे बेटा तू ता मेरा बेटा है, जे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ूंगा और ज्ञान समझूंगा तो तेनों असी संत बनाना। और मैनू भी याद आती, मैं बाबा जी ने कहना, मैं कहना मैनू बाबा जी कीर्तन सिखाओ, मैं कीर्तन सिखना। कहते तेनू कीर्तन नहीं सुना सिखा, क्यों नहीं सिखा? कहते जे कीर्तन करते ना उन्होंने अंदर धारणा ना हो तो उन्होंने अंदर लालच आ जाता, वो फिर दुबधा बच्चे पै जाते, संत नहीं बनते। जेडे कीर्तन करते संत नहीं बनते। तो मैं क्या महाराज संत कि बनते हैं? कहते कीर्ति करने के नाल एक कीर्तन होंगे, एक कीर्ति जेड़ा कीर्ति करता ना उस मालक की, वह असली मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा मैन भर नीरा। तो जिन्हों का शरीर रोमांच हो जाए, अखा च आंसू आने शुरू हो जाए, उस मालक का ज्ञान हो जाए, वो याद जो गाँव ना वह सुना के गाँव। तो फिर बाबा जी ने मैं कहा मेरी तो यह अवस्था ही नहीं बननी, क्योंकि मैं अभी तो बड़े शरारती से बचपन के, सारे शरारती होंगे। तो मैं चुप करके बैठ गया। फिर वो कह लगे उरिया गल सुन, तू अपने आप को सुनाया कर, असी अखा बंद करके कीर्तन करीदा। लोग कहते अखा खोल के करते, असी अखा बंद करके कीर्तन करीदा, असी माया नूं देखना ही नहीं। बाबा जी कहते माया वाल ना देखी, और अज तक मेरे नाल कीर्तनी जिथे कही असी उत्थे माया जिथे भी जिन्नी कोई दिंदा असी कोशिश करी साडी जीभ च ना पवे, इत्थे ही रह जावे, क्योंकि सानूं बचन कमा, जे को बचन कमावे संतन का सो पार ग्रामी थिया। उन्होंने सानूं जिंदगी दित्ती महापुरशां ने, उन्होंने सानूं कहिंदे तैनूं रागी नहीं बनाउणा ओए, तेनू रागी नहीं बनाना, एदा उच्ची आवाज ना कहते सी, कहते वो तेनू रागी नहीं बनाना, तेनू राग नहीं सिखाना। तो मैं क्या फिर बाबा जी की बनाना, जानवर बनाऊंगे? कहते नहीं जानवर नहीं, तेनू संत बनाना, तेनू संत बनाना। अजे तक असी बने नहीं, क्योंकि सानू लोगों ने छड़िया नहीं संत बनने जोगे, असी संत नहीं। आ लिवाज जरूर पाए आ, लोगों ने सानू छड़िया नहीं, वो नहीं कहते कि ये संत आ, असी भी नहीं संत। संत बनना कोई छोटी जी गल है, सारी उम्र बीत जाती है। एक महापुरश साढ़े चलाना कर गए, मैं किसी ने टैलीफोन किया, कहते महाराज तुहानू पता लग गया? मैं क्या मैं कुछ नहीं पता लगा, अज भी पता लग गया। भेखोवाल वाले बाबा जी वह भी शरीर करके साढ़े को जुदे हो गए। और मैं टैलीफोन आया, एक महापुरश चलाना कर गए, कहते तुहानू पता लग गया? मैं क्या नहीं जी। कहते संत गोपाल नगर वाले बाबा जी वो चलाना कर गए। तो मैं अजे बाबा जी एक सैकेंट, बस एक सैकेंट, एक सैकेंट जाना नहीं, तुहाडी लोड़ है सानू। कहन लगे उन्होंने शब्द टैलीफोन च कहा, कहिंदे सारी उम्र लग जाती संत बनने नू, जदों संत बनदा उदों मौत आ जाती है। उत्थे टैलीफोन रख दिता, तहां मारनिया शुरू कर दित्तियां उन्हां लोगों ने। वाकई ही ये गल आ, सारी उम्र लग जाती असी एवं संत बन के, जे कोई चार बंदे मत्थे टेकन लग पैण, सत्कार कर लग पैण, असी आसमान ते उपर चढ़ जांदे आ। गुरु पातशाह जी कहिंदे नहीं, उह खाक बन, खाक बन जा, खाक बन जा, बन जा। जे कुछ बनना अपने उस प्रभु नूं पाउण वास्ते अपना आप गवाउणा पैंदा, प्रीतम दे मिलने लई अपना आप गवाउणा पैंदा। असीं तां मरे हां, आ लिवाज जिहड़ा मुरदियां दा पहनिया होया, इह मुरदियां दा लिवास आ जिहड़ा असीं पहनिया होया, आ पहनिया होया लिवास जिहड़े महापुरशां नाल जे पहनिया होया, इह कफन आ। तो जे कफन पहन के उन्हें पहचान करके भी मेरा कफन आ, तो फिर तू मुरदा बन। बाबा जी कहिंदे कि कबरां बहुत मिल जाणगियां, मुरदा नहीं मिलेगा। कबरां तां सारी जमीन भरी पई, जिथे मर्जी कबरां तुसीं आसन ला लो, लेकिन मुरदे बनना पैंदा। महाराज कहिंदे सारा संसार भरिया पर संत बनना बड़ा औखा। असीं कहिंदे कोई संत ना बने, जिहड़े बनन असीं उहनां दे चरणां दे विच, सानूं सेवा दिओ, असीं उहनां दे चरणां दे विच अपना जीवन निछावर करिए, क्योंकि साडे कोल उह चले गए जिन्हां ने सानूं कुछ दित्ता। सानूं पता उहनां ने जो सानूं दित्ता असीं सुपने विच भी नहीं देख सकते। तो मैं उहनां ने जो अपनी जिंदगी विच कमाया, उह आ तुहाडे कोल, तजौरी आ तुहाडे कोल।
ये असी उन्हों का जो उन्होंने माड़ा मोटा सानू दस्या सानू समझ आई असी उन्होंने सौ दे विचों पांच परसेंट ये असी उन्हों थोड़े दसण वास्ते क्योंकि साढ़े को शब्द नहीं है असी को पढ़े लिखे नहीं ना तो अभी स्कूल ही गए हैं ना किसी उस्ताद की मार खाधी है अच्छ तो सेवा की बाबा जी की असी उस काम च लगे गए कभी असी हस्पताल बनाने और कभी स्कूल बनाने कभी डेरे बनाने ये डेरे डूरे कुछ नहीं स्कूल कुछ नहीं ये दुनिया का काम है संतान का काम बाबा जी कहते आला फड़ माला माला फिर नहीं सिमरन करना कुछ नहीं करना पर कुछ ना करद मालक ने साडे को पता नहीं की कराया पर असी बड़े भाग है साढ़े को कुछ कराया पर महापुरशा नहीं करना चाहिए ये महापुरशा काम नहीं करने चाहिए सानू अकल आई महाराज के चरणों के असी बैठे हैं सच्ची गल कह रहे हैं आ लिवास महाराज का पहनया होया जे कोई संत है ना तो इदा का कोई काम ना करो ना स्कूल बनायो और ना हॉस्पिटल बनायो ना अपने डेरे बनायो तो जे बना तो अपना आप बना लो जे बनाना अपना आप बना लो बस मेरी यही बेनती सारियां नूं अपना आप बना लो ये लोगों ने थानू छड़ना नहीं एक महापुरुष साढ़े संत बाबा नारायण दास महाराज जी मैनू जंगल में लै गए कहन लगे बेटा इधर आ असी गए उन्होंने पत्थर चुकया एक लाल पत्थर जो पत्थर चुकया वह लाल सी और गोल सी पत्थर कहन लगे बेटा इन पत्थर नूं केन गोल किया इनू किसने गोल बनाया तो असी तो बच्चे से उन्होंने सानू समझ नहीं आई उन्होंने सानू समझाया पर असी समझे नहीं साढ़े दिमाग ने काम नहीं किया महाराज कहिंदे कि ये ठोकरां खा खा के हीना रंग लाती है पत्थर पे पिस जाने के बाद वो मेहंदी उदो रंग लाउंदी है जो पत्थर चंगी तरह नू रगड़ दिंदा फिर उदे चो रंग निकलदा और पत्थर गोल उदो हुंदा पहाड़ां तो चल के जो चो दे विच घूमदा घूमदा इत्थे पहुंचदा ना तो फिर गोल हो जांदा इसे तरह तुहाडी जिंदगी है ठोकरां खाणियां तो फिर कुछ बनाओ नहीं तो चुप करके माला फड़ो सिमरन करो मैं सारे महापुरशां दे चरणां च बेनती करदा सानू आशीर्वाद दिओ जिहड़ी महापुरशां ने सानू आशीर्वाद दित्ती सी बेटा कुछ नहीं करना सिमरन करना पर साढ़े को सिमरन नहीं होया असी होर ही कुछ करदे रहे करना था वो ना किया कर बैठे कुछ और बस तदी ठोकरां खादियां असी गल नहीं मन्नी गुरपित मात की बात ना वानी तो मैं इतना ही कहिंदा होया संगत नूं बेनती करांगा कोई भी तुहाडे इलाके च संत होवे कोई भी इस तरह के महापुरश होण मैं सारिआं नूं बेनती करदा अज तो बाद कसम खा लो कोई डेरा ना बनायो कोई हॉस्पिटल ना बनायो कोई स्कूल ना बनायो कोई किसी तरह की इदां दीआं वार्ता ना बनायो एक बार आशीर्वाद दे दिओ साडा मन बन जावे बस मन बन जावे यही ही बेनती करता होया ते मैं बाबा जी को जो मैं सुनिया जो मैं सिखिया उहदे विचों मैं थोड़ा जिहा आप सब नूं बेनती करांगा महापुरशां नूं ये कोई जिज्ञासु जन होवे कोई महापुरशां दी गलबात सुनने वाला होवे अज तक गुरु ग्रंथ साहिब दी कुछ नहीं सुनदा कोई नहीं सुनदा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी जिन्हां ने एक गल सुन ली उन्हां दा जीवन पार हो गया इक्को ही गल सुन ली किनका एक जे जीव बसावे तां की महिमा गनी ना आवे गुरु पातशाह जी ने सानू दिता बाबा जी ने अज मैं महापुरशां दे कोलों रिलीज करावांगा एक किताब साढ़े जसल जी नाल मेरे बैठे आ उन्होंने उन्होंने सहयोग के नाल और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने ट्रांसलेशन लिखिया वैदिक दीआं किताबां लिखिया पर असीं तुहानू दे नहीं सके मेरी कोशिश है हुण मैं अपना इहो हुण कम करूँगा गुरु पातशाह जी की कृपा के नाल आपां जो महापुरशां ने सानू दिता मैं वंडन की कोशिश करूँगा और मैं कोशिश करदा कि साढ़े महापुरश आए आ उह सानू आशीर्वाद दिंदे आ बाबा जी संत चेयरमैन साहब साढ़े विच बैठे आ तो मैं महापुरशां नूं बेनती करांगा ये रिलीज करके ये किताब रिलीज करके तो जिहड़े जिज्ञासु जन होणगे वह मेरे तो आके लै लैण ते मेरे नूं भी इहदे विचों समझाउणगे मैनूं भी दस्सणगे और आप भी कुछ समझणा तो मैं सारे महापुरशां नूं बेनती करदा एक बारी आशीर्वाद दिओ खड़े हो के आपां नूं रिलीज़ करिए उस तों बाद फिर महापुरश संत बाबा तेजा सिंह जी महाराज और साढ़े कोल जम्मू तों बाबा जी विनय मुनि जी महाराज साढ़े विच विराजमान हुए आ और साढ़े मनदीप जी मनजीत का मनदीप है महाराज जी हाँ मनजीत जी महाराज हिमाचल तो विशेष करके आए आ तो मैं सारिआं नूं बेनती करांगा आपां थोड़ी देर वास्ते होर महापुरशां दे दर्शन करने आ उस तों बाद सारिआं ने
प्रवचन सुन के जाना, किसी ने काली नहीं करनी। धन्यवाद जी, सारे महापुरुषों को बेनती करांगा।